वाठोड़ा पुलिस स्टेशन अंतर्गत अपने घर में ही देह व्यवसाय का अड्डा चलाने वाली महिला को सुरक्षा विभाग के दस्ते ने गिरफ्तार किया है। महिला के चंगुल से चार पीड़ितों को छुड़ा गया है। इसमें तीन नाबालिग व एक युवती का समावेश है। पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस उपायुक्त गजानन शिवलिंग राजमानी को गुप्त जानकारी मिली थी कि वाठोड़ा के मोतीलाल नगर में आरोपी महिला अर्चना शेखर वैशंपायन अपने घर में ही स्वयं के फायदे के लिए युवतियों को पैसे का लालच देकर देह व्यवसाय का धंधा चलाती है। पुलिस उपायुक्त राजमानी ने इसकी जानकारी सामाजिक सुरक्षा विभाग को दी। सामाजिक सुरक्षा विभाग के दल ने जाल बिछाया और नकली ग्राहक भेजकर छापा मारा। इस कार्यवाही में तीन नाबालिग और एक युवती समेत चार को मुक्त कराया गया। अर्चना को तीनों नाबालिग होने की जानकारी होने के बावजूद पैसे का लालच देकर ग्राहकों को घर पर बुलाकर उनके साथ भेजती थी। पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर तीन नाबालिग समेत युवती को मुक्त किया है। आरोपी महिला के खिलाफ भानपुर की धारा 3457 अनैतिक व्यापार प्रतिबंध अधिनियम 1956 व धारा 812 के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह कार्यवाही अपर पुलिस आयुक्त सुनील कुलारी के निर्देश पर पुलिस उपायुक्त राजमारी सहायक पुलिस आयुक्त बीएन नलावड़े के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक रवि नागू से सामाजिक सुरक्षा विभाग स्टाफ पोपनी मंगला हर्डे, हवलदार अनिल अंबाड़ी, सिपाही संदीप चनगोली, सिपाही भूषण साड़े, अजय चेतन प्रतिमाने की कल दिनांक 17/5/2021 रोजी माहिती मिळाली की अर्चना नावाची महिला ही मोतीलाल नगर दिघोरी इथं आपला स्वतःच्या आर्थिक फायद्याकरता पैशाचे आमिष देऊन ग्राहकांना देह व्यापारास मुली पीडित मुली पुरवितात अशी माहिती मिळाली। त्यावरून आम्ही DCP सर श्री राजमाने सर, DCP नलावडे सर यांना माहिती दिली आणि बोगस ग्राहक पाठवून तिथं रेड कारवाई केली। त्यामध्ये अर्चना वैशंपायन 42 वर्ष राहणार नूतन चंद्र बाजीराव वंजारी यांच्या घरी किराणे इंडियन पेट्रोल पंप जवळ मोतीलाल नगर पोस्टे वाठोडा ही रेड कारवाईमध्ये मिळून आली। तिच्यासोबत तीन अल्पवयीन मुली आणि एक सज्ञान मुलगी असे एकूण चार पीडित मुलींची सुटका करण्यात आली। त्यामध्ये पोलीस स्टेशन वाठोडा येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास करीता पोलीस स्टेशन वाठोडा हे करीत आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।